देश में जो है इस्तांबुल, देश बोल रही हूँ, सॉरी टर्की। और हम हमारा पहला डेस्टिनेशन है इस्तांबुल। हमारी हालत खराब हो रखी है, जैसे आप देख सकते हैं कि 6 बजे की फ्लाइट थी तो नींद तो बिल्कुल इसलिए तो सोया ही नहीं क्योंकि ये मेरे ऊपर लात रख के सो रही थी। तो 3 बजे के हम जगे हुए हैं एंड वी आर वेरी टायर्ड एंड एयरपोर्ट काफी दूर है। सो वी आर इन दिस ब्यूटीफुल वैन, बहुत ही लग्जरी वाली टाइप की फीलिंग आ रही है मुझे। वाईफाई भी फ्री है। अरे अब्रॉड जाके सबको पता है कि वाईफाई मिलना इज सच अ सुकून गाइस। यस ऑब्वियसली। बट सो हमारी ट्रिप है 12 दिन की, हम बहुत मस्ती करने वाले हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कभी भी अकेले ऐसी कोई ट्रिप नहीं की, तो मम्मी को भी बहुत डर लग रहा था, हम भी जय माता दी करके आए हैं। लेकिन तो पड़ी है बट लेकिन इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। सो हम कैपेडोकिया जाने वाले हैं, मंडालिया जाने वाले हैं, 12 दिन का टूर है, तो ये 3 पार्ट्स में आएगा ब्लॉग। सो स्टे ट्यून्ड एंड अभी हम होटल जा रहे हैं, हम आपको वहाँ मिलते हैं। बाय बाय। हाय गाइस, सो वी आर इन आवर होटल एंड हम हो गए हैं रेडी, जैसे कि आप देख सकते हैं। ड्यूरेव, ओके, बहुत प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम है, बट ड्यूरेव द होटल, ड्यूरेव द लाटा, यह मेन सेंटर में है ये एंड इट्स अ वेरी प्रिटी होटल, बहुत क्यूट सा है, बहुत ही पैरिस वाइब्स देता है इस्तांबुल में एंड द व्यू इज ब्रेकटेकिंग, मतलब की तो जान निकल जाए। आई नो, आई थिंक हमें रूम मिलने में थोड़ा देर हो गया, लेकिन अभी जो रूम मिला है आई थिंक इट्स टोटली वर्थ इट। वी विल शो यू अराउंड एंड टेल यू द पर्क्स ऑफ स्टेइंग हियर। ओके चलो, दिस इज द रूम एंड वी आर हियर, दिस इज द लाउंज एरिया, ये हमारे लगेजेस है बेचारे, लाउंज एरिया ये, और ये हमारा बेड एरिया, बेड। ताना बहुत परेशान करेगी मुझे, मैं ये वाला साइड लेने वाली हूँ। नहीं हाँ ठीक है, ले ले, मैं कोई आई विल टेक दिस साइड। नाउ आई विल शो यू, नाउ यू शो अस, बेस्ट स्पॉट इज देयर। अब हम खाना खाने जा रहे हैं, बहुत भूख लग रही है। गलाटा फोर्ट यहाँ पे है, बहुत ही प्यारा जगह है, तो हम वहाँ जाने वाले हैं। एंड मैं आपको फटाफट से दिखा दूँ कि ये जो जगह है ये पूरा गलाटा फोर्ट है, दिस इज द बॉस्फोरस रिवर एंड आई डोंट नो आपको दिख रहा होगा कि नहीं, हाँ ये जो ब्रिज है ये बॉस्फोरस ब्रिज है। तो हमारे यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दे एंड बहुत तगड़ा कर लिया मैंने, अब हम जाते हैं बाहर घूमने घूमने करके और आपको दिखाते हैं। फाइनली हमें कुछ मिल गया है वेज में, एक घंटे के बाद हमें पिज्जा, ये खाना हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम इंडिया में जैसे ओह नो कॉल योर मैनेजर, वहाँ पे वेटर से भी फट रही है दीदी की, बोल रही है कि वो खा जाएगा देखते देखते, ऐसे कर रहे हैं जैसे उनकी किडनी मांग ली है मैंने। एक तो इंग्लिश समझ नहीं आती, बट द वाइब द वेदर इज सो कोशिश कर रही ताकि वो गिर जाए। वेरी प्रिटी गाइस, इट्स अ स्ट्रेच ऑफ 2 किलोमीटर्स और वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कैफे हैं, और ताना यहाँ पे बैठ गए हैं। अभी खाना खाया है। गाइज दिस इज द होल कैराकोई स्ट्रीट, यहाँ पे काफ़ी सारे क्यूट क्यूट कैफेज हैं और मैंने टूरिस्टी प्लेसेस या डूइंग, एंड मैंने ताने को गलाटा पोर्ट लेके गई और यहाँ नहीं लेके आई फॉर लंच। हाँ ये खाना सही है यार, वेरी प्रिटी। आप यहाँ पे आ सकते हैं, पूरी एली में बहुत सारे प्लेसेस हैं, बहुत सुंदर सुंदर जगह हैं, छोटी छोटी कैफेज हैं। वी आर एट द फेरी बोट, वहाँ ये फेरी और यहाँ पे फिशिंग करते हैं लोग, और ये बोट है एंड इट्स ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा सनसेट है। एंड तान्या ने चेंज कर लिया है, पता नहीं क्या ही करने जा रहे, और मैंने भी चेंज कर लिया है, so I'm wearing this. Yes, and now we are going to the Asian side from Ferry. Where are we? This is place for करने में बहुत ही bandwidth जल्दी है।
लेकिन हमें अच्छी प्लेस मिल गई. यस, सो दिस इज आवर फर्स्ट राइड, फेरी राइड, फेरी राइड द फॉस्फोरस रिवर. यस, हम जा रहे हैं एशियन साइड. और एशियन साइड जाने के लिए आपको फेरी लेनी पड़ती है क्योंकि हमारा होटल यूरोप साइड में है, इस्तांबुल के दो साइड है. सो एशियन साइड जाने के लिए आपको फेरी लेनी पड़ती है एंड आपको टिकट बहुत आसानी से मिल जाते हैं. हमने इस्तांबुल कार्ड लिया है जो सारे ट्रांसपोर्ट पे चलता है, ट्रैम, बसेस, ट्रेन, फेरी, एवरीथिंग. सो ट्रैम 70 लीरा का था, 70 लीरा का है. सो इट्स वेरी कन्वीनियंट एंड ऑब्वियसली द व्यूज आर अमेजिंग. अरे मैंने रिसर्च किया था, मैं क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है. हम बस घूमे जा रहे हैं एक फेरी से इधर उधर. ये चलता भी नहीं है इधर, बोलो. ये नहीं चलता है इधर, दादा नहीं चलेगा. एक्सक्यूज मी, पता नहीं ये चलता है, चल गया. ये नहीं ओके, चल गया. आई होप कि इस बार हम पहुंच जाएं. इस्तिक्लाल स्ट्रीट पहुंचना है हमें. हमने उसको दर में सनसेट भी नहीं देख पाए. हम गलत फेरी में उठ चले गए, गलत जगह उतर गए. ये कल्प्रिट है. मैंने रिसर्च करी थी पर हुआ घंटा रिसर्च किए तूने. डेढ़ घंटे से हम सिर्फ घूम ही रहे हैं. घूम रहे हैं मतलब घूमने तो आए हैं हम, लेकिन गलत जगह घूम रहे हैं. हम मारामारी में मारामारी कर रहे हैं. ये तो बहुत ही बढ़िया है. यहाँ से किधर जाने तेरे को पता भी है? एक तो लैंग्वेज नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता. जय माता. होपफुली हम तक से पहुंच जाए क्योंकि क्या देखो है तो अब बहुत दूर हो गया. बोलने नहीं आ रहा है हमसे, कुछ भी बोल रहे हैं. उस उधर पे जो हमें मेडन सावर देखा था, सनसेट तो हो लिया तो वो हम नहीं देख पाए. कैरी को आई इसमें कल चली जाऊंगी. आज मैंने को नाइट लाइफ दिखा रही हूँ बिकॉज इट्स सैटरडे. तू नाइट लाइफ दिखाएगी? तू सिर्फ मुझे मेट्रो स्टेशन और फेरी दिखा रही है. अरे मुझे नहीं पता यार. फाइनली वी आर इन सम मेट्रो जो हमें नाम भी नहीं याद है. नहीं लेकिन जाने वाली है तक से. हमें एक और मेट्रो चेंज करनी है. M2 जाना है. M2 पागल हो रहा है. आर यू रेडी फॉर दिस एडवेंचर तुर्की? मुझे लग रहा है रॉन्ग डिसीजन था ये खुद का आने का. ऐसा अपने आप ट्रैवल एजेंसी बैठो. आई टोल्ड यू पर इट्स फन. ऐसा इट्स नॉट फन एडवेंचर. इट इज नॉट फन. इट्स टाइम वेस्टिंग. इट्स ओके. कल दो दिन है ना रखा है ना तूने सब. कल दो दिन कुछ नहीं लगे. कल भी तेरी वजह से अपने अपने में करना पड़ेगा. नहीं पर अभी पता है कल कहाँ जाना है. आज तो अभी पता नहीं था कहाँ जाना है. तुझे कुछ नहीं पता होता लाइफ में. निकल गया है ना. Finally, we are at the famous place where you get the famous baklava. Hafiz Mustafa. Guys, बहुत मुश्किल के बाद हम जंक्शन स्क्वायर पहुंचे. Yes, दो मेट्रो, दो फेरीज, रॉन्ग चीज करके. But it was fun, Tana. Come on, yeah. But again, we are going to eat the famous baklava. And ये हमेशा मुझे गलत गलत बोलते. गलत है. But फिर मुझे बड़ा मजा आया था. छोड़ो. Fun की चक्कर की definition ही change. It's okay. This is first time we're doing everything on our own. तो थोड़ा बहुत mishap होता है. ठीक है Tana. ठीक है तो अभी जाते हैं. Must start baklava खाने with Turkish tea. ओके सो हमारे पास टी है और हमारे पास बकलावा आ चुका है और तानिया टेस्ट करने वाली है. कम ऑन. हाउ डू यू लाइक व्हाट इज इट? इट हैज आइसक्रीम देन इट हैज पिस्ताशियो का फिलिंग देन ऊपर वेफर जैसा कुछ तो है. तानिया काटने के लिए बहुत ट्राई कर रही है. तुझे खराब कर दिया, उसे गिरा दिया तूने. क्या करें जब लोग गवा रही हैं तो निकाल दे बाहर. चलो यू कैन डू दिस. तन बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए फाइनली द फर्स्ट बाइट. बहुत ही बड़ा बाइट.
ओके How's it? Warm it up. Meetha? Mera kuch nahi hoga. I don't like meetha. Okay, my turn now. I'll try. क्या क्या गिरा रहे हैं हम बिल्कुल भी कैसा है मैं खाकरे को अपने चाशनी में डुबो दिया और फिर Cheers. That's the famous tram. We can't get it. It's too crowded. गाइस मैं अगर मैं आपको बताऊंगी दीदी तो अभी आई है डे टू है डे टू मेरी मेरी बैंड बज गई इन लोगों को समझाते हैं कि मुझे एग वाइट और इसको मसाला ऑमलेट चाहिए और ये क्रोजोन है और मुझे ज्यादा मिल्क वाली कॉफी चाहिए मैं मर गई मेरा कॉफी मैं मर गई हम फाइनली घूमने निकल चुके हैं गाइस बंद हो रही है पक्का नहीं नहीं चलेगी तो अरे चलो तो मैं मॉस्क हम ज्यादा बात नहीं कर सकते पर मैं आपको विजुअल्स दिखा रही हूँ कि अब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे दो कल्चर्स का मिक्स है सो अगर आप मॉस्क देखेंगे और बाहर यू सी चर्च बिकॉज़ ये किसी जमाने में सो कूल चर्च हुआ करता है क्या बोलते हैं मुस्लिम एंड क्रिश्चियन वी आर एट ओल्ड मम्माशे पैलेस आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट बट हमारी ये टूर गाइड है जो हमें मिल गई फाइनली गेट जिसके लिए मरी जा रही थी यहाँ पे फोटो खिंचवाना है हाँ यार 20 मिनट उसने खा लिए बोले बट ठीक है यार मतलब अभी थोड़ा बहुत तो बैक इन्फॉर्मेशन चाहिए ना क्या कुछ समझ में आया नहीं मुझे समझ में आ गया थोड़ा ऊपर ऊपर का समझ में आ गया आपको समझ में आया इसमें रिकॉर्ड ही नहीं की कोई सल्तन फल्तन ने बनाया ये और खुश रहो मजे करो सुंदरता देखो हाँ ये दूसरा पैलेस है उनका एंड इट्स ह्यूज अपेरेंटली इट्स ह्यूज इससे चार गुना ज्यादा बड़ा है स्टोन का अपनी पैलेस जंप कर नहीं यस इवन यू आर शट अप नहीं इट्स फोर टाइम्स बिगर देन दैट नो दैट इज स्मॉलर दिस इज दे वांटेड टू मेक ऐसा बड़ा वाला बट रियलिटी में वो वाला टोपका भी पैलेस चार गुना ज़्यादा बड़ा है वहाँ पे 4,000 लोग रहते थे अंदर ओह यहाँ पे 258 रूम्स हैं यस और ये यूरोपियन स्टाइल का बना है टोपका भी और ट्रेडिशनल अरे कल जाएंगे ना टोपका भी मैं सिर्फ इन्फो दे रही हूँ इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए दिस इज द एंट्रेंस ऑफ डोमबाचे बोलना डोलबाचे कुछ भी करेक्ट है ना डोलमा बाचे
ये एंट्रेंस है एंड आई गेस ये पैलेस में दुनिया के, यहाँ पे इन्होंने बोला कि आगे जाके दुनिया का सबसे बड़ा शैंडलियर विद रियल क्रिस्टल्स इम्पोर्टेड फ्रॉम फ्रांस एंड चेक रिपब्लिक वहाँ यहाँ वर्ल्ड का. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दैट. यू कांट टेक अ पिक्चर, यू कांट टेक वीडियो, हम चुपके से ले रहे हैं. बहुत सुंदर है ये देखो, ये एक वहाँ पे रूम है उसका शैंडलियर कितना प्यारा है. टर्किश, टर्की इज फेमस फॉर द हर रूम में कितना शैंडलियर है. सो द पैलेस हैज अ म्यूजियम आल्सो वेयर ऑल द क्रिस्टल्स एंड ऑल द थिंग्स दे यूज्ड टू यूज व्हेन यूज्ड टू लिव हियर. तो अलग अलग तरीके के बर्तन हैं इधर. ये टेबल वेयर है, मतलब इसमें से खाना खाते थे सब लोग. इतने छोटे में शॉर्ट्स लेते हैं टर्किश टर्की. ये जो सिगरेट वाला होल्ड है, सिगरेट इसमें लगा के होल्ड करते थे और ये हाथी के दांत से बना हुआ है आई बिलीव. टॉप्स है ये रियल डायमंड, अगर कप में डायमंड लगे ऊपर कॉफी बनाना चाहिए यार. या ये एग्जिट है, हमने पूरा पैलेस देख लिया, अंदर अलाउड नहीं था. और ये बाहर का, आई थिंक दिस गेट इज गेट टू हेवन गाइस. यू आई कैन नॉट डू जस्टिस विद कैमरा, ये सिर्फ देख के समझ में आता है कि जब ब्यूटीफुल है ये. This is the entrance to the river, Bosphorus River, nahi sorry ocean guys, I forgot, Marmara Ocean. Ye dekho shuru ho gayi photography lane. Tara ek gate to wahan bhi hai, wohi main dekha. So guys, this is chestnut and bhutta milta hai idhar, vegetarian logo ke liye yahi hai. हमने ये चेस्टनट्स खरीदे हैं जो बहुत ही फेमस है बाय द वे. दीदी विल ट्राई देम. आई डिड लाइक इट फॉर द ग्राम. सॉरी फॉर द प्रेयर स्पीच चल रही है उसका नॉइज है. एक्सपेक्टेड रिएक्शन. ओहो नहीं पसंद आया. वी हैव समथिंग एल्स आल्सो व्हिच इज वेरी फेमस, डोंट ईट इट. I want to click a picture first. I didn't like the taste. Yeah. It's a bread. I don't know what is it called. Simit. 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 S-I-M-I-T. और ये bread है जिसके ऊपर सब क्या कहते हैं तिल तिल रहता है ना. बाप रे, पता नहीं क्या क्या बोलूं मैं इसके बारे में. हाँ पर क्या क्या बोलूं मैं. इट इज अ वाटर स्टोरेज एंड इट वाज फिल्ड टू द सीलिंग और अभी पानी चुल्लू भर पानी में अगर उड़ना है तो बस सिस्टर आ जाओ. पानी बस इतना सही है, थोड़ा पानी है. यहाँ पे लोग कॉइन्स भी फेंकते हैं ताकि वो उनकी विश हो जाए. नोट है और वैसे भी अभी बहुत महंगाई चल रही है. ये बहुत सुंदर है बट ऐसा अंधेरा रहता है यहाँ पे. सो यार सो और अंडरग्राउंड चीजें भी, मतलब ऐसा पानी के अंदर उल्टी पुलटी है. शो देम द कॉलम्स. ये जो आपको पिलर्स दिख रहे हैं ना, ये डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक ऑलमोस्ट 300 अबव टाइप्स ऑफ अलग अलग पिलर्स हैं. बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा है. इट टुक 3 years ओनली फॉर देम टू मेक इट. एंड ये पानी सप्लाई करता था एम्परर को और बाकी सब लोगों को जो सिटी के आसपास है. एंड देन व्हेन इस्लाम केम दे चेंज्ड इट. इस्लाम में रखा हुआ पानी साफ पानी नहीं माना जाता. सो दिस इज अ
another street food for vegetarians and my favorite. It's called kumpir. It's made by a big potato. They mash the inside stuff with butter and cheese, and you can put all these fillings in it. Guys, day 3 बहुत हासिल में शुरू हुआ है. हमें ब्रेकफास्ट करने का भी टाइम नहीं है. इयररिंग तो पीछे का घुमा दिया. और तारा ने अपने इयररिंग के पीछे का घुमा दिया है. This is the hotel. आज आखिरी दिन है यहाँ पे. It's very chilly, very very chilly. आज हम लास्ट दिन है तो हम ग्रैंड बाजार वगैरह जाएंगे. So let's hope we reach on time. 10:36 हो रहा है, 11 बजे हमें पहुँचना है. ये यहाँ का मेट्रो स्टेशन है. यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है जरा बताइए. ट्रांसपोर्टेशन प्रीटी गुड, बट मुझे थोड़ी मुंबई वाली फीलिंग आती है कि शाम में यहाँ पे भी धक्का मुक्की चालू हो जाती है. तो इट्स वेरी इजी, आई थिंक बेटर देन कैब्स एंड ऑल्सो जो इतने ट्रैफिक में फंस जाते हैं. आई थिंक ट्रैफ इज वेरी इजी, वेरी कन्वीनियंट. सो दिस इज द ट्रांसपोर्ट कार्ड व्हिच यू शुड बाय इफ यू आर इन फैमिली यू वांट टू ट्रैवल. लिटिल हेक्टिक बट एक बार हैंग हो गया जैसे हम प्रो हो गए. आज हमारा तीसरा दिन है. आखिरी दिन है. यस हां, आखिरी दिन है. हम प्रो हो गए. लास्ट डेस्टिनेशन टोपाकापी. और हमने हमारा गाड़ी टूर मिस कर दिया है. पीछे देख, चलो देखते हैं हमें मिलता है कि नहीं. दिस इज अ मॉस्क, तो हम अंदर नहीं जा सकते. सो बस ये एरिया है. ब्लू मॉस्क इसलिए क्योंकि इसकी जो टोपले आप देख सकते हो वो ब्लू कलर के, अभी से ग्रे दिख रहा है पर है ये ब्लू कलर के. एंड यहाँ पे प्रेयर होती है. दिस इज द ब्लू मॉस्क एंड दिस इज मी. शट अप, काफी ज्यादा ठंड है यहाँ पे. दीदी देख, आज फुल कपड़े पहनी है. मजा आ रहा है. हमने टॉप कॉफी वाला मिस कर दिया है. कोई बात नहीं, लेकिन वी विल गेट देयर. हमारा टूर है 2:15 का. अभी मस्त 11 हमेशा कैमरा को ऐसे टेढ़ा करती है, फिर आपको स्क्रीन टेढ़ा दिखता है. यस, तो ब्लू मॉस्क का क्या है ना, आपको पीछे बाहर जो है ना बाहर से ही दिखाई देता है, अंदर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि मॉस्क है और कोई म्यूजियम नहीं है. पहले था, अब 3 साल बाद मॉस्क फिर से हो गया. सो या हमने पिक्चर्स क्लिक कर लिए जी. और अभी हम जा रहे हैं 7 रेस्टोरेंट पिक्चर्स क्लिक करने, फिर ग्रैंड बाजार. अब पिक्चर्स पिक्चर्स एंड पिक्चर्स. हम लोग पता नहीं नीचे क्यों मर रहे थे फोटो लेने के लिए. लुक एट दिस ब्यूटी, लुक एट द ब्लू मॉस्क. वी आर एट ग्रैंड बाजार. अस्ताना लुटाएगी, सच्ची लुटाएगी यार. पर दिस इज अनदर प्लेस यू शुड गो टू. यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं एंड तानिया इज ऑलरेडी स्टार्टेड. बहुत बड़ा है, आपको पूरा दिन चाहिए ये करने के लिए. यहाँ पे आपको काफी बैग भी मिलेंगे जो फेक है. जैसे मेरी बहन एक फेक बैग खरीदने की कोशिश कर रही है. देयर आर लैंप शॉप्स एज वेल. They have soap shops. यहाँ पे soaps भी बनाते हैं, handmade soaps. So these are the soaps. ये lamp वाले shops भी होती है. कमीने साले अंदर नहीं जाने दे रहे. Finally we are doing the Deep Palace वाला thing because सुबह हमने miss कर दिया था. This is the entrance and अंदर यहाँ पे दीवान वाला रूम है जहाँ पे सब मिलके councils and sultan and everybody used to take decisions. And ऐसे यहाँ पे बहुत सारे rooms हैं. So you guys can come and explore. और ये यहाँ का courtyard है.
What are we going to see? This is where the Sultan lives. Courtyard. And abhi hum log baithe meeting. Tell people ki what are you wearing? What am I wearing? Acha ha, ye the guide is speaking about the place and I can hear it. This is again a meeting room. The bed is So this is a library. This is where people study. This is where all relics and things are kept. And ये जो room है जहाँ पे हम जाएंगे बाद में, यहाँ पे सारी jewellery रखी है, वो देखिए. So this is the area जहाँ पे sultans के princes को circumcised किया जाता था. Circumcised. 11th or 12th age में करते थे. So this is that place. This is the room. जहाँ पे सब लोग बैठते थे मीटिंग के लिए. और ये है राजा का सिंहासन, वो इस पे बैठता था. बाप रे इतना बड़ा. अगर ये क्या है, पढ़ सकती हो तुम? थ्रोन फॉर द ईयर. यस, द राजा यूज्ड टू सिट हियर. एंड यहाँ से राजा रानी पूरे इस्तांबुल को देखेंगे. That's the courtyard. प्यारा बड़ा सा हीरा है जिसका नाम है स्पून मेकर्स डायमंड. ये सुल्तानगढ़ है भाई साहब, बहुत पैसा था इन लोगों के पास. This is सुल्तान का पूरा अटायर जो पहनता था. बाप की ज़्यादा क्राउन जो वो सुल्तान का से दो तो से दूसरी सो ये उसका थ्रोन है गोल्ड का. And they have jewels लगे हुए हैं. So guys, we are doing the famous Istanbul shoot here, and look at the struggles. Look at the struggles. You can't do that, दीदी अपनी ड्रेस को बचाने की कोशिश कर रही, अंदर कुछ नहीं था. की गलियों में शाम को कितने मजे आ रहे हैं गोल्डन सिटी में. और तानिया जा रही है वहाँ क्योंकि हमें जाना है गलाता टावर. एंड ये सोचो कि बस द सिटी इज ब्यूटीफुल गाइस, ब्यूटीफुल. एंड वी आर एट गलाता टावर. तानिया को बहुत ठंडी लग रही है. कुछ तो गिरा शायद. ठंड लग रही है, ठंडी बहुत ठंड लग रही है दोस्तों. सो वी हैव सेंट सेबास्टियन केक जिसकी हालत खराब हो गई है. नाइस. जैसे कि हमने बोला था कि हम जा रहे हैं कैपाडोकिया, तो हम आ गए हैं एयरपोर्ट पे. हम लोग पता नहीं 2-3 घंटे पहले पहुंच गए डोमेस्टिक. ये इसका बच्चा तो 2 बजे आया. We have to be careful guys, and guess what? मेरी एक डिश बची थी जो मुझे ट्राई करनी थी यहाँ पे, पाइड, जो कुछ गिरे चुने वेजिटेरियन ऑप्शन मुझे है, तो वो मुझे मिल गए यहाँ पे.
तो वो मैं ताने को भी ट्राई कराने वाली हूँ. एंड ये ब्लॉग मैं यही एंड करूँगी आफ्टर ईटिंग द फूड. ओके सो लेट द फूड कम एंड देन वी एंड द ब्लॉग. सो इसे कहते हैं पाइड, जो बोट की शेप में होता है. एक तरीके का पिज्जा होता है ये जो यहाँ पे मिलता है. एंड वी गोना टेस्ट इट टुडे. लेट्स सी हाउ इट इज. तान्या ने खाना शुरू कर दिया है. हाउ इज इट? इट लुक्स लाइक पिज्जा. मैंने अभी वही बोला येड़ी. अब मेरी बारी. पिज्जा की तरह लेकिन उसका ब्रेड पतला है. तो गाइज अगर आपको ये इस्तांबुल वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आपको करनी सिर्फ तीन चीजें जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय. सी यू इन कैपेडोकिया इन द नेक्स्ट ब्लॉग. बाय.